विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। कितना खास है ये बर्थडे आपके लिए? सबसे पहले तो आज तक का सबसे खास सेंटर है मेरा, क्योंकि कल हमारी फिल्म प्री रिलीज पे है और फर्स्ट को रिलीज हो रही है और मैंने रणबीर कपूर के साथ काम किया है। I have been the biggest fan of one man in the industry, the biggest fan of Ranbir Kapoor, and I finally get to work with him. So, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा birthday. I cannot wait for the film's release and to watch it myself tomorrow. So very excited. So celebration double होने वाला है क्या? क्योंकि ये birthday खास है तो celebration भी तो खास होना चाहिए। Triple चौगुना जितना imagine कर सकते हो। मतलब दिल में तो celebration अभी चल ही रहा है। अभी समय नहीं है पार्टी करने का, पर once the release happens, then it's going to be all out. मतलब सेलिब्रेशन जो होगा वो रिलीज के बाद होने वाला है। वो उसके बाद। वैसे एनिमल की अगर मैं बात करूँ तो नॉट जस्ट रणबीर, उसके अलावा भी बॉबी गर्ल है फिल्म के अंदर, अनिल कपूर है। हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस वर्किंग विद ऑल द कास्ट एंड क्रू? इट वॉज सच अ सरियल एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे सबसे इतना सीखने का मौका मिला और अनिल कपूर जैसे इतने सीनियर हैं हमसे, बॉबी देओल वापस आ रहे हैं फिल्मों में, तो उन सब के साथ काम करके ऐसा लगा किसी सपनों में चल रही हूँ मैं। एंड आई रियली वांट टू थैंक माय डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा फॉर रियली गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। उन्होंने मुझ में विश्वास दिखाया कि मैं ये रोल रणबीर की सिस्टर का प्ले कर पाऊँगी। एंड बाकी वाइब तो सेट पे बहुत अच्छी थी, मतलब सब फ्रेंडली थे, ऐसा लगा ही नहीं कि इतने बड़े स्टार्स के साथ काम करें। यू नो पहले बहुत डर लग रहा था दिल में कि कैसे होगा क्या होगा, पर वहाँ पे ऐसे लगा कि सब अपने ही हैं। एवरीवन रियली क्रिएटेड अ वेरी वेरी गुड एनवायरनमेंट एंड इट वाज अ रियली नाइस सेट। तो बहुत कुछ सीखा और बहुत मज़ा आया। इट्स वन ऑफ माई मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस। नर्वसनेस है रिलीज के पहले? थोड़ी सी बटरफ्लाइज इन द स्टमक, आई थिंक वो गुड नर्वसनेस होती है, थोड़ी बहुत होनी भी चाहिए कि यू कैन फील द जिटर्स, यू नो दैट्स अ नाइस फीलिंग। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।